मानवर में इसको सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है कि आखिर कम से कम ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग और जो सामंतवादी जातियों के लोग हैं, जिनको कभी अपनी जाति के ऊपर घमंड होता था, ये जातियां ब्रह्मा जी ने बनाई हैं। ब्रह्मा भाई क्यों क्यों पता है बोले पता है बोले क्यों भाई आप ठाकुर बिरादरी है जो क्षत्रिय बिरादरी अपने को कहती है, पूरे उत्तर प्रदेश में ये सामंतवादी है। जितनी गुंडागर्दी होती है, हत्या होती है, बलात्कार होते हैं, ये सभी क्षत्रिय और ठाकुर बिरादरी के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देती है पूरे भारत देश में मान्य राज्यवाद। विषय है मानव पूरे प्रदेश में देखने में तो छोटा लग रहा है कि, लेकिन जब देखेंगे तो इसकी जो जुड़ाव है वो गांव में, जो लोग गांव से निकलकर शहर में गए और शहर में भी जो झुग्गी झोपड़ी, क्योंकि मानव पूरे किसी भी आप शहर में चले जाएं, लखनऊ में भी एक तरफ तो बहुमंजिला बिल्डिंग है, मंत्री आवास उसको कहते हैं, हालत तो उसकी भी जर्जर हो गई, उसको नहीं बताएंगे नहीं कहेंगे कि उनकी बात कहते कहते इनकी कहने लगे, शायद सरकार जाएगी कभी बौखंडी मंत्री आवास में, आवासों को देखेगी। लेकिन मानवर मेरा यहाँ कहना यह है कि जो भी बड़ी बिल्डिंग बनती है उसको बनाते बनाते एक पीढ़ी जो जवान होके आती है वो बुजुर्ग हो गई, उनके बच्चे जो उनके साथ आए थे वो जवान हो गए और वो कहां रहते हैं, उसको नाम दिया गया झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, जे कॉलोनी। पहले फिल्मों में चलती थी तो हम लोग सोचते थे जे कॉलोनी, तो सोचते थे ये जे कॉलोनी क्या होती है, कोई वीआईपी कॉलोनी होती होगी, क्योंकि वो हर जे कॉलोनी जिसमें एक तो नहीं हजारों की संख्या में, लाख की संख्या में पन्नी डालकर आप, अभी सरकार तो बड़ी बड़ी बात करेगी लेकिन कैंट विधानसभा में आप चले जाएं, अब ये तो कहते हैं हमें वोट दिया है, बड़े खुश होते हैं, जे कॉलोनी में रह रहा वो भी इनको वोट दे रहा है, भूखा मर रहा वो भी वोट दे रहा, भिखारी है वो भी वोट दे रहा, दिन भर मरा जा रहा, जिसकी हत्याएं हो रही वो भी वोट दे रहा। सरकार शायद अगर इससे बाहर निकले और ये नींद से जाग के कहीं ना जाए, आप कैंट में चले जाएं, वहीं नाला बह रहा है, वहीं पर नाले के किनारे पन्नी डालकर लोग रह रहे हैं हजारों की संख्या में। इनकी तरफ किसी ने देखा तो परम पूज मानवर कांसीराम साहब ने इस बात को बड़ी बड़ी रैलियों में कहा कि जो पूरे देश की जो जातवादी व्यवस्था है, ये तो हम कहते हैं जब सदन में जाति की बात आती है तो काफी लोगों को बड़ा खराब लगता है, ये बहुत अच्छी बात है मानवर में इसको सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है कि आखिर कम से कम ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग और जो सामंतवादी जातियों के लोग हैं, जिनको कभी अपनी जाति के ऊपर घमंड होता था, ये जातियां ब्रह्मा जी ने बनाई हैं, ब्रह्मा जी के, अरे बैठो भाई क्यों क्यों लफड़े में पड़ जाते आप, हाँ पता है बोले पता है बोले क्यों भाई आप सामंतवादी बिरादरी होती है, व्यक्ति नहीं होता है, सामंतवादी बिरादरी होती है। इधर बैठिए आप भाई, आप इनको रोकिए, क्यों आप बीच में फंस जाते हैं, सामंतवादी बिरादरी होती है और जो ठाकुर बिरादरी है, जो क्षत्रिय बिरादरी अपने को कहती है, पूरे उत्तर प्रदेश में ये सामंतवादी है। जितनी गुंडागर्दी होती है, हत्या होती है, बलात्कार होते हैं, ये सभी क्षत्रिय और ठाकुर बिरादरी के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देती है पूरे भारत देश में मान्य राज्यवाद है, अम्बेडकर जी ब्राह्मणवाद है, जो मनुवाद है, इन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार किया है। इस जातिवाद को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, इसको नेस्त नाबूद नहीं किया जाएगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अगर आपको अम्बेडकर जी सुनिए, अम्बेडकर जी मान्य अम्बेडकर जी आप माननीय सीपी चंद जी आप विषयांतर क्यों कर रहे हैं, माननीय अम्बेडकर जी माननीय अम्बेडकर जी माननीय अम्बेडकर जी आपका विषय जो नोटिस है
नोटिस जातिवादी व्यवस्था पर है कि आपका माननीय कांशीराम आवास से संबंधित है। आप विषयांतर और इस प्रकार की टिप्पणी और ये जो बोला गया ये कार्रवाई का भाग नहीं होगा, ये कार्रवाई का भाग नहीं होगा। बैठ जाइए महाराज सिंह जी, बैठ जाइए। माननीय पप्पू भैया बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय अम्बेडकर जी अब आप विषय पर आ जाइए, जरा संक्षेप में कर। नहीं नहीं बंद हो गए, वो बंद हो गए, आप अपने विषय को पूरा कर दीजिए, विषय पर ही रहिए, आपसे आग्रह। जी जिनको दर्द हो रहा है तो चिल्लाओ, फिर आप चिल्लाइए। माननीय सुरेश त्रिपाठी जी चिल्लाइए, माननीय सुरेश त्रिपाठी जी मान्यवर बढ़िया 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 मानते हैं शर्मा के बच्चे। अरे सुरेंद्र जी, अरे यार मान्य बैठ जाइए, मान्य सुरेश त्रिपाठी जी, मान्य अम्बेडकर जी, मान्य अम्बेडकर जी, मान्य सुरेश त्रिपाठी जी, अम्बेडकर जी जी, आपका विषय जो कांशीराम आवास योजना गिर रही है, खराब हो रही है, उस विषय पर था। यहाँ जातिवादी दृष्टिकोण से बात दूसरे उसमें चले गए, इसलिए सामान्य सदस्य भी उत्तेजित हुए। तो मेरा निवेदन है कि अम्बेडकर जी की बात जी जो जातिवाद पर कही है या अन्य साथियों ने कही है उसको वो कार्रवाई का भाग नहीं बनेगा। जी माननीय अम्बेडकर जी जरा संक्षेप में ही पूरा कर दीजिए विषय पर ही अपने। मानवर मेरा कोई ये आक्षेप नहीं था, लेकिन जो हमारे माननीय मंत्रीगण है या सरकार है उसको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, ये विषय पर आ जाइए, वो तो रख लिया धैर्य, बैठ गए। मैं क्या बोलूंगा, इसके आगे क्या पता है, मैं विषय पर ही बोल रहा हूँ। मेरा तो सिर्फ विद्वान है, मेरा सिर्फ कहना ये था कि जो लोग गांव से चलकर आते हैं, गांव की जो आप इतना भी नहीं बोलने देते, क्या गांव में सामाजिक व्यवस्था क्या खराब नहीं है, क्या लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार नहीं होता है? गांव के लोग चलकर शहर में आते हैं, क्या वो नाला नाली पर नहीं रहते हैं? क्या उनकी जो जिंदगी है शहर में? माननीय अम्बेडकर जी देखिए, मैं बार बार आप जैसे विद्वान सदस्य को नहीं, नहीं मुझे मुझे बीच में कहना नहीं, नहीं माननीय सदस्य कोई बोले नहीं, माननीय अम्बेडकर जी विषय आप दो बात भी नहीं बोल रहे। जो आवास की रख रखाव से संबंधित आपका नोटिस है उसी विषय पर आ जाइए। यार बोलने तो दो, बोलिए बोलिए। आप एक शब्द तो बोलने दो भाई। जातिवाद की वजह से तो गरीबी आई है, बस हो गया। वो ये विषय आज का नहीं है, चर्चा का नोटिस का ये विषय नहीं है आपका। क्या कह रहे हैं आप? इधर इधर देखिए माननीय अम्बेडकर जी, आप पीठ को देखिए ना, पीठ की ओर, पीठ की ओर भी सुन ले। आप पीठ की ओर को, कोई दुश्मन थोड़ी है, उनको भी सुन ले जी, उनको भी सुन लेना चाहिए, कोई खराब बात कर। आप विषय पूरा करें तो सदन जी। आप जरा कृपया शांत रहे, मानव शांत रहे। अम्बेडकर जी, माननीय अम्बेडकर जी पूरा। अब या तो मानवर नहीं, नहीं हो गए सब शांत होगी, बोलिए। ये विषय पे हमें बता रहे हैं कि हम भटक गए, कोई इंटरप्ट नहीं करेंगे, बोलिए। मानवर विषय कोई भी है, व्यक्ति से जुड़ा है और व्यक्ति व्यवस्था से जुड़ा है। जब व्यवस्था खराब होती है तो व्यक्ति परेशान होता है, और जब वो परेशान होता है तो वो अपने के लिए सरकार है, जो भी सरकार होती है वो उसके लिए काम करती है। तो हमारा कहना ये था, ये जो सरकार है, ये फिर इसको थोड़ा सा खराब लगेगा कि जो लाखों लोग हैं जिनके लिए जो गांव की खराब व्यवस्था के कारण, शहर की खराब व्यवस्था के कारण जो दुर्व्यवस्था थी, जिनको रहने के लिए आवास नहीं थे, उनके लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जो उस समय मुख्यमंत्री थी, मानवर कांशीराम साहब के नाम से ये आवास बनवाए। और एक दो नहीं मानवर, नगर पंचायत क्षेत्र में एक साल में 500 आवास, नगर पालिका क्षेत्र में एक साल में 1500 आवास, नगर निगम में एक साल में 5000 आवास।
इतने आवास एक एक साल में बनाते हुए लगभग 3 साल में लाखों की संख्या में आवास बनाए गए जो एक मंजिल नहीं चार चार मंजिल के हैं। और उन आवासों में कौन लोग रहते हैं? सभी समाज के लोग, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, विकलांग हैं, जो प्रत्येक हमारी बहने हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको ये आवास दिए गए मानवर। और आवास देने के बाद अभी तक उन आवासों में जब से बने हैं तब से लेके आज तक ये सरकार जो है, अब इसका कार्यकाल दूसरा शुरू हो गया है, अब 0.2 शुरू हो गया है, 5 साल वो चले गए, 5 साल अभी हमारे मित्र है नहीं, इनको भी बड़ा इस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी याद आ रहे हैं, चलो कम से कम अभी याद आए, इनके भी 5 साल निकल गए थे, पूरे 10 साल मानवर ये निकल गए। और 10 साल में एक कोई बता दे, अब इनसे तो पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो आपसे, क्योंकि अब आपको 5 साल फिर रहना है, आप एक बता दें माननीय मंत्री, जो आवास विकास के माननीय मंत्री हों या जो नेता सदन है या माननीय मुख्यमंत्री जी है, क्या आप एक आवास पर मानवर कांसीराम शहरी गरीब आवास योजना के एक कॉलोनी में आप गए हैं, आपने देखा है कि वहां की जर्जर हालत क्या है, क्या वो रहने लायक हैं? चार चार मंजिल हैं जिनकी पुताई वो पूरे जीवन नहीं करा सकते, आवास गिर तो जाएंगे लेकिन उनमें 4 मंजिल की पुताई तो पूरी कॉलोनी के सब गरीब मिलके अपना सब बेच दें तब भी वो पुताई नहीं करा सकते। मैंने इसको मानवर प्रश्न में लगाया था, क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि मानवर कांसीराम आवासीय योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं? इन्होंने कहा जी हाँ। क्या उक्त भवन 4 अथवा 2 मंजिला बनाए गए हैं? इन्होंने कहा जी हाँ। यदि हाँ तो क्या 2 मंजिला भवनों का मरम्मत कार्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों द्वारा संभव है? हमने ये भी मानवर पूछा था, तो इन्होंने जवाब क्या दे दिया? शासनादेश संख्या 22/8-2-11-87/11 दिनांक 8/8/2011 के प्रस्तर 3 में दी गई व्यवस्था अनुसार निर्मित भवनों का रख रखाव लाभार्थियों द्वारा अपने व्यय पर किए जाने का प्रावधान है। मानवर इन्होंने उस समय का जो शासनादेश था उसका इन्होंने हवाला दे दिया, मतलब आवास विकास के प्रमुख सचिव का। और ये जवाब तो मानवर माननीय अब हम फिर सरकार बनाएंगे तब पुताई करवाएंगे। हम जब माननीय अंबेडकर जी, माननीय अंबेडकर जी बनाएंगे, विषय तो पूरा आ गया ना आपका, कहाँ गया? हम इतना नहीं समय दिया जाएगा, जरा और भी तो नोटिस है, वही बात आती है। नहीं, कोई एक एक घंटा बोलेगा नहीं, आप कोई दो दो घंटे बोलेगा, नेता बोल रही है नहीं, जब हम विषय पर बात रखेंगे गरीबों की तो हमारा समय समाप्त, आपको समय कभी नहीं रोका जाता, तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं। अभी तो मानवर नहीं नहीं, अब ये नहीं, नेता साहब तो आ जाएगा, आपके बोल लिए अभी उसको पढ़ रहे, अभी तो कितने नोटिसेज हैं, आप उसको तो पूरा आ जाने दीजिए, लेकिन पूरा संक्षेप में कह लीजिए ना, विस्तार मत दीजिए, व्याख्या मत करिए, बात आप संक्षेप में सार रूप में कह दीजिए, बात तो कह देना मानवर, कहिए ना संक्षेप में कहिए। तो मानवर इन्होंने जो ये जो शासनादेश का हमने जिक्र किया है, ये शासनादेश योगी आदित्यनाथ जी माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, कल वो आए थे सदन में, हम धन्यवाद भी करेंगे कि जो एक संवेदनशील जो मुद्दा था, पूरे प्रदेश के जो भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन करते हैं, तो उन्होंने कहा भी कि ये संवेदनशील मुद्दा है। अब वो उनका ही जवाब है कि उसमें उन्होंने उसका हवाला दे दिया जो उस समय का जो शासनादेश था, क्या उस समय के शासनादेश के हिसाब से उसमें रंगाई पुताई हो जाएगी? ये प्रमुख सचिव जो आवास विकास है या आवास विकास के जो मंत्री हैं या माननीय नेता सदन हैं, क्या वो यहाँ स्पष्ट रूप से ये आश्वासन देंगे कि उत्तर, और हमने पूरा अभी बजट भी आ गया मानवर, अभी माननीय राज्यपाल महोदया का आवासन भी हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा बजट भी पढ़ लिया, उसमें एक लाइन कहीं ये नहीं लिखी है, जबकि हमने इसको प्रश्न लगा के ये कहा था
कि आप उसके आप आश्वासन देंगे क्या कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी मानवर कांशीराम साहब शहरी आवास योजना के तहत आवास बनाए गए हैं उनकी रगाई पुताई उनकी टूट फूट जो वहां के रहने वाले लोग नहीं कर सकते हैं हम उसको कराने का आश्वासन सरकार देगी। ये हमारा दोष। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन हल्का न्यूज़।